क्या तुम्हें तुम टिकट इलेक्शन लड़े हो? सर आज अफतारी कैसे लगा? अफतारी कैसे लगा? ये हर रोज मैं इसी तरह कर रहा हूँ अफतारी कोर्ट के पर काटे जाए, ताकि ये किसी तरह जिस तरह इसने एक दफा पहले सुजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हटवा दिया था, ब्रीफ केस चलाए थे 99 में, तब भी इसके ऊपर केस होने लगा था, कंटेम्प्ट का लगने लगा था नवाज शरीफ पे, तो इसने उस क्योंकि अगर कंटेम्प्ट लग जाता डिस्क्वालीफाई हो जाता, इसलिए ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। ये दूसरा हमला कर रहा है और हम सारी कौम को तैयार होना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी एनर्जी है, अभी रोजे खोलने से पहले भी इतनी एनर्जी है, तो इसका मतलब कि रोजे के बाद तो और ही एनर्जी आ रही है। मेरी बात अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि हमारा दीनी फर्ज भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, अल्लाह कुरान में भी हमें कहता है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो, और ये आपकी जमात का नजरिया भी यही है तरीके, आप इसको तब्दील करना है। देखिए सियासत दो तरह की होती है, अगर सियासत अपनी जात के लिए करते हो सारी दुनिया आपको गालियां निकालती है, अगर आप सियासत इंसानियत और इंसाफ के लिए करते हो इबादत बन जाती है, सारे अल्लाह के कोशिश हम करेंगे कि आपको जाने से पहले पैम्फलेट्स दे दें, वो मैंने उसको कहा हुआ उसको तैयार किया पैम्फलेट से, आपने अपने जब इलाकों में जाएंगे तो लोगों को समझाएं ये तबलीग है, एक रायवंड में तबलीग है, एक हम तबलीग कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, देहातों में इंकलाब आ गया इंशाल्लाह, माशाल्लाह खान साहब कारकुनान के दरमियान बैठे हैं, अफतारी कर रहे हैं खान साहब, वो भी हमारे मुश्किल वक्त।